अगर 100 कपल्स को इनफर्टिलिटी है तो उसमें से 30 से 40 कपल्स में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है, यानी कि पुरुष में कमी होने की वजह से पांचपन रहता है, इनफर्टिलिटी रहती है। पुरुषों में जो जांचें बहुत इजी होती हैं महिलाओं की अपेक्षा, घर पे ही आप सीमेन टेस्ट कर सकते हो। कैसे जांच कर सकते हो? फिजिकली टेस्ट कर सकते हो एंड कुछ लैब टेस्ट भी होते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि अगर सीमन से रिगार्डिंग, स्पर्म से रिगार्डिंग इशू है, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, तो उसके लिए कुछ 5-6 अमेजिंग आइडिया टाइप के बताने वाली हूँ, जिसके बड़े प्रभावी नतीजे हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स इससे लाभान्वित हो चुके हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। यदि आपने अभी तक यूट्यूब सहेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हर दिन एक नया अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन, एक नई सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो इनफर्टिलिटी झेल रहे कपल्स के लिए वरदान की तरह होती है। एंड हमें बहुत सारे आपके उत्साह भरे फीडबैक मिलते हैं कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, जैसे फेलोपियन ट्यूब बंद है, इन केसेस में भी, ऐसे कई केसेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं नेचुरल रेमेडीज के। सो जरूरी है कि आप एक बार जरूर ट्राई करें। फिजिकली जब जो वीर्य है, जो सीमन है, उसकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे? नंबर वन होता है कि सीमन का सही कलर क्या होता है, कि सीमन जो है वो किस कलर का होता है, और अगर अबनॉर्मल है तो वो कैसा हो सकता है। तो सीमन का जो कलर होता है ग्रेज टिंट में व्हाइट होता है, लेकिन किसी का सीमन अगर येलोविश है, ग्रीनिश है, डिफरेंट है कलर, तो हम इसको एबनॉर्मल कहेंगे और यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ है स्मेल की। सीमेन की जो स्मेल होती है वो बहुत तेज़ नहीं होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सीमेन में बहुत तेज़ स्मेल आ रही है, तब आपको उसकी जांच करानी चाहिए, डॉक्टर से बात ज़रूर करनी चाहिए। कई बार सीमेन जो इजैकुलेट होता है उसमें आप अगर देखते हैं कि ब्लड के डॉट्स नज़र आते हैं, रेड डॉट्स नज़र आते हैं आपको, तो सीमेन में ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर आपको ऐसा ऑब्जर्व होता है, आपने सीमेन को टेस्ट किया, देखा है, अगर आपको उसमें ब्लड के डॉट्स नज़र आते हैं, तो ये एक असामान्य बात है, और इसका रीज़न हो सकता है कि कोई इंटरनल इंजरी है या कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये ब्लड सीमेन में दिख रहा है। अब बताती हूँ थिकनेस की। ये बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। तो सीमेन की जो थिकनेस होती है नॉर्मल होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा थिक, जैसे कि क्लम्पी, क्लम्प्स बन जाते हैं, जम जाता है, या फिर एकदम पतला है, ये दोनों ही चीज़ें एबनॉर्मल है सीमेन के केस में। तो सीमेन ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही इतना गाढ़ा हो कि वो क्लम्प हो जाए, तो ये दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं। अब ये तो सारे थे फिजिकल पैरामीटर्स की, देखने से, नज़र से देखकर उसको हम कैसे समझेंगे। लेकिन इसके अलावा पुरुषों में मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी को समझने के लिए सीमन पैरामीटर्स की लैब टेस्टिंग होती है। अब उसमें सीमन का शेप, साइज, काउंट, मॉर्फोलॉजी, डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट एंड बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। उसके ऊपर भी मैंने अलग वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप उन्हें ज़रूर देखें। लेकिन काउंट की जहाँ तक बात करें, तो काउंट बहुत मायने रखता है। प्रति ml 15 मिलियन से कम है अगर स्पर्म काउंट, तो उसको हम कम मानते हैं। उसको सामान्य में लाने के लिए सीमेन के पैरामीटर्स को, मॉर्फोलॉजी को, काउंट को, मोर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ डाइट टिप्स जो प्रूवन है, जो पेशेंट्स को मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ, वो आपको मैं आज बता रही हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपको स्पर्म पैरामीटर्स इम्प्रूव करने हैं तो जिंक, विटामिन डी, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और कई मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, और इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, कौन से, जैसे कि लाइकोपिन। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मूंग के स्प्राउट्स बहुत प्रचलित हैं, तो स्प्राउट्स को आपके डेली रूटीन में आप ऐड कीजिए। स्प्राउट्स को ऐड करने के बहुत तरीके हैं, बॉईल करके, चाट बना के, चीला बना के, कई तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हैं। स्प्राउट्स में जिंक अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है, कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी हो गया। इसके अलावा कुक्ड टोमेटो वो खाना चाहिए, कुक्ड टोमेटो रोज रोज कोई कैसे खाएगा, तो आप टोमेटो सूप पी सकते हैं। इंस्टेंट सूप की रेसिपी जल्दी ही मैं आपसे शेयर करूंगी कि रोज अगर आपको टोमेटो सूप बनाना है, क्योंकि उसमें लाइकोपिन है और लाइकोपिन स्पर्म पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अमेजिंग होता है, तो टोमेटो सूप रोज अगर बनाना है तो कुछ झटपट आइडिया आपको चाहिए, तो जल्दी ही मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। इसके अलावा अनार और चुकंदर पुरुषों को डाइट में लेना चाहिए, चाहे अनार का घर में फ्रेश जूस निकाल के ले लें, स्मूदी बनाए तो ज्यादा अच्छे हैं। अनार और चुकंदर लेना इंपॉर्टेंट है, इसको नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं ये। इससे क्या होता है, फंक्शनिंग अच्छी होती है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को मारते हैं, तो स्पर्म की लाइफ
बढ़ जाती है, स्पर्म क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। उड़द की दाल बहुत अच्छी होती है पुरुषों के लिए, तो उड़द की दाल 2 चम्मच दाल का आप डेली थोड़ा सा हलवा बना दिया, लड्डू बना के रखें डेली, कप दूध के साथ ब्रेकफास्ट में उड़द की दाल का लड्डू ले सकते हैं, या फिर रात को सोते समय दूध में थोड़ा हनी ऐड करें और अश्वगंधा और 1/2 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर उसमें ऐड कर सकते हैं, कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने भी कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स बताए हैं पुरुषों के लिए, आप उन्हें भी डेली सेवन कर सकते हैं। 8 हफ्ते तक अगर आप अच्छी डाइट रखते हैं तो रिजल्ट इम्प्रूव होने लग जाते हैं, आप टेस्ट रिपीट करा सकते हैं, 8 हफ्ते बाद रिजल्ट इम्प्रूव होंगे ही होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट में लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।